ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी वन. चलो एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मास एम है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी वन गिवेन इम्पल्स दैट वेलोसिटी बी टू. अब उसको हमने इम्पल्स दे दिया और उसकी वेलोसिटी बी टू हो गया, तो कहता है चेंज इन मोमेंटम. अब बहुत आसान है यार, चेंज इन मोमेंटम निकालना बहुत आसान है. क्या होता है चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कितना है बोलो? ए पार्टिकल मास विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी गिवन इम्पल्स विद वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम एम बी टू है और माइनस मोमेंटम एम बी वन है. ठीक है, तो एम और ये बी टू माइनस बी वन. ठीक है, अब देखो यार कितना आसान सवाल आता है. पुराने ज़माने में जो लोग आज डॉक्टर बने हैं उनके टाइम में कितने आसान सवाल आते थे. ठीक है, अब यार उनके लिए उस टाइम के हिसाब से डिफिकल्ट थे. ठीक है, आपके हिसाब से थोड़ा ईजी है. ये वही रॉकेट वाला सवाल है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कराता हूँ. एक रॉकेट इज सेट टू फायर वर्टिकली अपवर्ड. अब इसको आप रॉकेट वाला देखो कितनी बार आया है रॉकेट वाला, और आज भी आता है बहुत ज़्यादा. रॉकेट है इज मूविंग सेट टू फायर. ठीक है, वो रॉकेट है उसका मास 600 kg है, मास 600 kg है. वर्टिकली अपवर्ड एग्जॉस्टेड स्पीड, जो गैस बाहर आ रहा है वो 1000 के हिसाब से बाहर आ रहा है, 1000 मीटर पर सेकेंड से गैसेस बाहर आ रहे हैं. ठीक है, द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट. अब देखो कितना अच्छा सवाल है कि भाई मुझे वेट को ओवरकम करना है. इस पे वेट mg लग रहा है रॉकेट का, और जब गैस बाहर आ जाएगी तो गैस का फोर्स अब थ्रस्ट ऊपर लगेगा और ये एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा. लेकिन हमें तो इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाना है. मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट, मतलब वेट को ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए कितना हमें dm अपॉन dt होना चाहिए. मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड कितना निकाला जाए गैसेस का, जिससे वेट, जिससे जो गैसेस का फोर्स है जो ऊपर लग रहा है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले. ठीक है, तो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले तो इक्वेशन क्या बनेगा? ft माइनस mg, दैट इज द m में, और अगर ये दोनों बैलेंस हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो ft इज इक्वल टू mg के इक्वल हो गया. ठीक है, और ft अगर mg के इक्वल हो गया तो भाई ft की वैल्यू क्या होती है? वी dm अपॉन dt, dm अपॉन dt चाहिए, दैट इज mg. तो dm अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो dm अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉकेट g और स्पीड ऑफ द गैसेस. m जो है मास ऑफ रॉकेट है. ठीक है, तो मास ऑफ द रॉकेट कितना है? 600, और g 10 ले लो, और स्पीड ऑफ द एग्जॉस्टेड गैस 1000 है. तो ये तीन जीरो को ख़त्म कर दिया, इक्वल टू 6 kg पर सेकेंड. ठीक है, तो 6 kg पर सेकेंड जो है वो, अगर गैसेज इतने 6 kg पर सेकेंड बाहर आते हैं तो उस वक्त रॉकेट एक्सेलरेट नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 31-year प्रॉब्लम ऑफ द NLM. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ाई करो. देखो मैंने इतने सवाल कराए हैं. ठीक है, अब आप अगर उसको कर लोगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा. तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.